चलिए हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी सा एक डोरमेट बताते हैं। वेलकम वाला हम आपको डोरमेट बताएंगे। और मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कि कमेंट करके कि मैं आपको वेलकम वाला डोरमेट बताऊं, तो इसके लिए हमने ये दो कलर लिए हैं। आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं, जिस तरह से हम आपको वूल में बताएंगे। दो कलर लिए हैं, 9 नंबर सिलाई ली हुई है। मैं आपको ये शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। देखिए मैं आपको ये 22 फंदों में बता रही हूँ। आपने चाहे 40 फंदे डाल लें, चाहे आप 30 या 50, इस तरह से आप फंदे डाल लें और इसको इसी तरह से बना लें। अपने हिसाब से इसकी आप ये चौड़ाई रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 22 फंदे डाले हुए हैं, आपको हम 22 फंदों में बता रहे हैं। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको वेलकम वाला डोरमेट बताऊं, तो चलिए हम इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको आज वेलकम वाला डोरमेट बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो सिलाइयाँ इसी तरह से बनानी है और पुरानी चुन्नी साड़ी से भी इसे आप बना सकती हैं। ये नहीं है कि आप वूल में ही बनाएं। तो यहाँ पे हम ये दो सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं दो सिलाइयाँ ये निकाल लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे दो सिलाइयाँ निकाल ली हैं। इसके बाद हम उल्टी तरफ हैं और यहाँ पे हम अब डब्लू बनाएंगे। तो देखिए पहला फंदा हमने उतारना है और धागा आगे करना है और यहाँ पे मैं 2 3 4 5 छः फंदे हमने बना लिए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे ये रेड कलर लगाना है। ये देखिए और जिस तरह से मैं आपको वूल में बता रही हूँ उसी तरह से आपने पुरानी चुन्नी साड़ी से बना लेना है। तो यहाँ पे रेड कलर के दो फंदे हो चुके हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदे हमने यहाँ पे रेड कलर के बना लिए। आगे के फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए और जिस तरह से मैं आपको ये अक्षर बता रही हूँ उसी तरह से सारे अक्षर आपने बनाने हैं। ये देखिए और ये देखिए सीधी सिलाई में ये 10 फंदे हमने रेड से ही बनाने हैं और ये 6-6 फंदे इसी कलर से बनाने हैं। इस तरह से सीधी सिलाई बनानी है हमने। ये देखिए बिल्कुल आसान है। फ्रेंड्स हमने सीधी सिलाई बना ली है, उल्टी सिलाई पे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सभी अक्षर उल्टे हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हम इधर से हमने नहीं बनाना है, इस तरफ से हमने डब्लू को बनाना है। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे हम रेड वाले भी इस कलर से बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे हमने इसी कलर से बना लिए हैं। देखिए और यहाँ पे एक फंदा ये हमने रेड से बनाना है। इस तरफ से हमने नहीं बनाना है, इस तरफ से हमने डब्लू को बनाना है इस तरह से। ये देखिए तो यहाँ पे हमने एक फंदा, 9वां फंदा हमने रेड कलर का ले लिया है। बनाना डिजाइन हमने उल्टी तरफ से ही है, सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उस तरह से ही उसको बना लेंगे।
तो चलिए हम ये सीधी सिलाई कंप्लीट करते हैं और उल्टी पे आपको फिर दिखाते हैं। हमने यहाँ पे सीधी सिलाई ये बना ली है, अब हम उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ से हमने ये देखिए डिजाइन को ही बनाना है। तो देखिए हमने ये 6 फंदे इसी कलर से बनाए थे और आगे के 9 फंदे भी हमने इसी कलर से बनाए थे। अब हम यहाँ पे 8 फंदे बनाएंगे। हमने आगे की तरफ को ये देखिए ध्यान से आप, तो देखिए ये जो रेड वाला फंदा है इससे अगला वाला जो फंदा है हमने ये वाला फंदा रेड से बनाना है इस तरह से, ये देखिए। और ये रेड वाला जो फंदा है हमने इस कलर से इस तरह से बना लेना है और आगे के फंदे हम सभी इसी कलर से बनाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई हम जो फंदा जैसा है उसी तरह से बना लेंगे और जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है उसी तरह से हम यहाँ पे रेड वाले फंदे 4 फंदे आगे की तरफ बढ़ाते हुए जाएंगे एक एक फंदा। ये देखिए सीधी तरफ में जो फंदा रेड का है वो रेड से ही बनाना है और ये देखिए आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर लगा सकते हैं। चलिए सीधी सिलाई को कंप्लीट करते हैं। सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, यहाँ पे हम फिर से उल्टी सिलाई पे हैं। ये देखिए एक फंदा हम आगे की तरफ रेड वाला बढ़ा चुके हैं और इसी तरह से हमने देखिए दूसरा फंदा हम बढ़ाने जा रहे हैं आगे की तरफ। तो देखिए ध्यान से आप, जो रेड वाला फंदा है वो रेड वाले के साथ में जो एक फंदा है ये फंदा हमने रेड से बनाना है और ये वाला जो रेड वाला फंदा है ये हमने इस कलर से बनाना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे 2 फंदे आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और 2 ही हम इसी तरह से बढ़ा लेते हैं और आपको फिर दिखा देते हैं। ये देखिए कि फ्रेंड्स हमने आधा डब्लू बना लिया है और ये देखिए आप, मैंने आगे की तरफ रेड वाले 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 6 फंदे हमारे पहले थे तो देखिए हमने 4 फंदे इस तरफ ये कर लिए हैं। अब जिस तरह से हमने आगे की तरफ रेड वाले फंदे बढ़ाए थे उसी तरह हम 4 फंदों तक ये रेड वाले इधर ले जाएंगे। तो देखिए मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से बनाना। हमने उल्टी साइड से ही है, पहला फंदा हमने उतारना है और धागा आगे करके तो रेड वाले फंदे में 4 बढ़ा चुकी हूँ आगे की तरफ। अब इन्हीं फंदों को चारों को पीछे की तरफ ले जाएंगे हम। तो देखिए किस तरह से जो ये रेड वाला फंदा है अब हमने क्या करना है, पहले आगे की तरफ बढ़ाया था, अब ये रेड वाला फंदा हमने ये स्काई ब्लू से बनाना है इस तरह से, ये देखिए। और ये इधर की साइड जो फंदा है ये वाला फंदा हमने रेड से बनाना है इस तरह से। तो एक फंदा यहाँ पे बना लिए हैं, 4 फंदे हमने इसी तरह पीछे की तरफ ले जाने हैं। ये सीधी सिलाई हमने सेम उसी तरह से बनानी है, जो फंदा जैसा है उसी तरह से बना लेते हैं। कि एक बार फिर से बताती हूँ, एक फंदा हम पीछे की तरफ ले गए हैं, ये देखिए जिस तरह से आगे की तरफ 4 फंदे बढ़ाए थे रेड वाले उसी तरह से हमने पीछे की तरफ 4 फंदे बनाने हैं। तो देखिए ध्यान से मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये हमने ये वाला रेड फंदा हमने ये इस कलर से बना लेना है और ये पीछे का जो फंदा है ये वाला हमने इस तरह से रेड से बनाना है। तो यहाँ पे 2 फंदे हम बना चुके हैं और 2 फंदे और इसी तरह से बना लेते हैं और आपको फिर दिखा देते हैं। कि फ्रेंड्स हमने उसी तरह से 4 फंदे आगे की तरफ बढ़ा लिए हैं और जिस तरह से हमने नीचे से स्टार्ट किया था 6 फंदों से, तो यहाँ पे देखिए ये 6 भी फंदे रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इस तरह से देखिए ध्यान से आप, ये 6 फंदे बना लेते हैं
दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब यहाँ पे हमने छः फंदे बना लिए और यहाँ से हमने फिर से 10 फंदे जिस तरह से हमने नीचे बनाए थे उसी तरह हमने 10 फंदे अब बना लेने हैं रेड कलर के। ये देखिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने अब ये 6 फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे ये डब्लू बनके कंप्लीट है और हमने सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा है उसको हम बना लेंगे। उसके बाद बना के हमने दो सिलाइयाँ स्काई ब्लू से दो सिलाइयाँ बनानी है, फिर हमने दूसरा अक्षर इसी तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हम दो सिलाइयाँ इस बनाने के बाद दूसरा अक्षर इसमें बनाएंगे इसी तरह से। तो मैं आपको दो सिलाइयाँ बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। अब ये 10 फंदे जो हैं हमारे रेड कलर के, अब सभी फंदे हमने उल्टी तरफ से इसी कलर से बना लेने हैं। ये देखिए मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए सभी फंदे हम इस स्काई ब्लू से सभी फंदे बना लेंगे और हम यहाँ पे दो सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं एक बार। और फ्रेंड्स हम डब्लू बना चुके हैं, अब हमने ई बनानी है। दो सिलाई हमने देखिए इसी तरह से बना ली है और सभी अक्षरों को हम इसी तरह से बनाएंगे, 10-10 फंदों के बीच में ही इसी तरह से। ये देखिए 6 फंदे हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए फिर से हम यहाँ पे बीच में रेड कलर के 10 फंदे बनाएंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हम 10 फंदे बना लेते हैं और सीधी सिलाई बना के कंप्लीट कर लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 10 फंदे बना लिए हैं इसी तरह से और 6-6 फंदे दोनों तरफ हैं। सभी अक्षरों को जिस तरह से हम लिखेंगे बनाएंगे सॉरी, और उसी तरह से हमने 10-10 फंदों में ही इसी तरह से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ई किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम एक फंदा नहीं लेंगे, दो फंदे हम बना लेते हैं। आगे के दो फंदे हमने ब्लू कलर से बना लेने हैं, फिर हमने आगे के दो फंदे रेड से, फिर आगे के फंदे हमने स्काई ब्लू से दो। ये देखिए इस तरह से। अब ये दो फंदे हमने धागा ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा ढीला ढीला ही रखना है। जिस चीज़ में भी आप बनाओगे इसी तरह से धागा खींचना नहीं है ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से हमने सभी अक्षरों को इन्हें यहाँ पे बना लेना है। ये देखिए इसी तरह से मैं बना के सभी अक्षर कंप्लीट करती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने सभी अक्षर इसी तरह से लिखे हैं, आप देख सकते हैं। हमें इन्हें ध्यान से बनाना होता है क्योंकि ताकि कभी कभी ये सारे अक्षर उल्टे हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए आप देख सकते हैं। और हमने अब सभी फंदों को यहाँ पे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से दो सिलाई बनाने के बाद। हमने सभी फंदों को घटा दिया है और बहुत ही आसान तरीके से देखिए सभी अक्षर हमने इसी तरह से बना लिए हैं। अगर आप इसी तरह से रखना चाहती हैं तो आप इस तरह से भी इसको रख सकती हैं।
अगर आप कोई भी चाहती हैं लेस लगाना इसके चारों तरफ, ये देखिए, तो आप इसमें लेस भी इस तरह से अलग से कोई भी कलर, जो भी कलर आपको पसंद है, इस तरह से लेस भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, तो और भी ये काफ़ी सुंदर बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, आप सुई से इसी तरह चारों तरफ सिल लें। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।